अगर कोई मैच देख रहा हो तो उसको मैच को रोक कर और उसका रिएक्शन देखने में वो मजा आता है, वो कहीं नहीं आता। खैर छोड़ो, आज हम जाएंगे बालाजी के, बालाजी मतलब हनुमान जी के, तो हम हनुमान जी के लिए चल पड़े हैं। हमारे साथ में विकास, हमारा जिगरी। तो हनुमान जी के दर्शन करने से पहले हम थोड़े बहुत पक्षियों को कुछ दाना वाना चुगाना चाहते हैं, तो हमने दाने वाने ले लिए, लेकर हमने पक्षियों के पास पहुंच गए और हमने खूब उनको दाना खिलाया, खूब दाना खिलाया। वैसे यहाँ पर बहुत सारे खिलाते हैं और ये धर्म करके हमारे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। वाह, मज़ा आ जाता है एकदम। यहाँ से सुकून लेने के बाद हम आगे चल पड़े हनुमान जी के मंदिर पर। हनुमान जी के मंदिर पर गाड़ी खड़ी करी और अब हम अंदर आ गए। अंदर आके जो सुकून मिलता है ना, वो पूछो मत। तो हमने थोड़ी सी परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा के और हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, जो कि जरूरी होती है। बाहर जाते टाइम मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हैं, तो चींटियों को बचा बचा कर बहुत कोशिश कर हम थोड़ी थोड़ी जगह बनाकर निकल गए यहाँ से। और जब भी हनुमान जी के मंदिर पे जाते हैं तो यहाँ पे तिलक की निशानी जरूर होनी चाहिए, तो हमने तिलक भी लगाया। जैसे मंदिर से बाहर निकले और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखने लग गई, मजा आ गया, दिल को सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें देखने पर। और हनुमान जी के सामने जस्ट शनि जी का मंदिर है, तो लगे हाथ शनि जी के भी जाइए आते हैं। मंदिर की साइड जाते टाइम देखा तो बच्चे यहाँ पर खेल कूद कर रहे थे, वो देखकर हमें बचपन की याद आ गई। मंदिर के अंदर जाने के बाद सुकून मिलता है, वो तो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे दर्शन करके दिल को राहत लेकर हम यहाँ से चल पड़े हैं। रात में हमें गन्ने का जूस मिला, तो हम गन्ने का जूस पिए और वहाँ से आ गए घर पर। घर पर आकर मैं थक गया और ये प्यारा सा नन्ना सा व्लॉग मैंने एंड कर दिया।